Hello viewers, this is RK Azad, Prime News TV today. खुली खुतुब शाह का शहर हैदराबाद, वो फरखुंदा बुनियाद, गंगा जमनी तहजीब का गहवारा चमन है। यहाँ पर साल भर ईद और त्योहारों का सिलसिला जारी रहता है। खास तौर पर यहाँ का मुहर्रम में बी का आलम सारी दुनिया में अपना एक अलग मुकाम रखता है और अब आने वाले मुहर्रम के अंदर हुकूमत और ख़ास तौर पर पुलिस महकमे के इंतजाम मिसाली होंगे। मुहर्रम कोऑर्डिनेशन मीटिंग में कोतवाली हैदराबाद जनाब सीवी आनंद मुखातिब करते हुए आदाब सबको, मुआजिज उलेमा मुशाइकीन डायस पर हाजिर, सैयद हैदर आगा साहब, वहीदुद्दीन हैदर जाफरी साहब, एमएलए पाशा खादरी साहब, एमएलसी गोल्डी साहब, मुस्तफा मुसरी साहब, सैयद अब्दुल्ला खादरी साहब, नजब अली शौकत साहब और मेरे कॉर्पोरेटर साहब और मेरे साथी पुलिस अफसरान जो डिपार्टमेंट के हैं, जॉइंट सीपी साहब, आज एडिशनल सीपी सभी कुछ ट्रेनिंग या लीव पर हैं, तो आज हमारे दूसरे अहदेदार सभी इधर मौजूद हैं और मेरे अजीज शिया भाइयों दोस्तों और यहाँ पर मौजूद सभी बुजुर्गों सभी को मेरा सलाम। हर साल ये सालार जंग हॉल में जब हम आते हैं तो बहुत ही हमको हैदराबाद शहर के बारे में, इसकी तारीखी के तारीख के बारे में, जो हैदराबाद का तहजीब है उसके बारे में काफ़ी नाज होता है। काफ़ी ख्यालात आते हैं कि ये बैठक जो हो रही है, थोड़े दिन पहले बकरीद की भी हुई थी इधर, तो ये एक ऐसा मौका है जब आप सबसे बातचीत करने का, रूबरू होने का मौका है। आप आपके ख्यालात आपने अभी पेश किए हैं, उसके बारे में मैं थोड़ी थोड़ी देर में बोलूँगा। और इस बार बकरीद के मीटिंग में भी एक मौलाना साहब ने कहा था कि आजकल हमारे कोतवाल ओल्ड सिटी में कम आते हैं, जब से वो नए ऑफिस में गए हैं बंजारा हिल्स में, कि कम आते हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसका ये हमारा जो ऑफिस है पुरानी हवेली, उसका छत जो है, हम बैठे बैठे जब वो मीटिंग हो रही थी वो ऑलमोस्ट हमारे सर पे गिर गया था। तो उसके बाद अब आप ही बताइए कि पुराने शहर में मेरे लिए बैठने के लिए जगह नहीं, तो इसीलिए आना कम हो गया। और जब भी आता हूँ तो चार मीनार पुलिस स्टेशन में बैठ के, एसीपी ऑफिस में बैठ के वहाँ पर बिरयानी खा के चले जाते हैं वापस। पर खुशी की बात यह है और सबको बताना चाहता हूँ कि एक हमारे एआर श्रीनिवास जो एडिशनल सीपी हैं, उनके नाजिब से एक उनके दोस्त आगे आए हैं 2 करोड़ रुपए के एक्सपेंडिचर से ये पुरानी हवेली की जो इमारत है उसको फिर से रिपेयर करके अच्छा बनाया जा रहा है और नवंबर में उसकी ओपनिंग हो रही है। हमको बताया गया था कि अब यहाँ पर कोई बैठ नहीं सकते, इसको तोड़ना पड़ेगा, पर मेरा दिल नहीं माना, तो इसीलिए ये काम हो रहा है कि और आपसे नवंबर से आगे और उसके पहले भी हम ज़्यादा ओल्ड सिटी में आएंगे और आपके साथ ज़्यादा समय बिताएंगे। और इसी मुहर्रम को हम जब देखें तो 19 तारीख को शुरू हो जाएगी एक मुहर्रम बीवी का अलावा, पर आलम का जायज़ा होगा। उसके बाद दूसरे असुर खानों में भी आलम का जायज़ा करना ये शुरू हो जाएगा।
उसके बाद हमको 10 मुहर्रम के बारे में काफी बंदोबस्त करने की जरूरत होती है। 29 तारीख को शायद या 30, पता नहीं कौन सा दिन आ रहा है, 29 को हम ये बीवी का आलम का जो बड़ा जुलूस जो निकलता है उसके बारे में इंतजाम हम अभी कर रहे हैं, उसके बारे में और काफी काम थोड़ा है और हम करेंगे। तो ये 7, 8, 9 मुहर्रम को भी काफी अहम दिन है। ये हम सबको मालूम है कि शिया भाइयों के लिए ये बहुत ही अहम वक्त है, गम दिखाने का वक्त है, मातम मनाने का वक्त है। हजरत इमाम हुसैन की शहादत का मातम जो मनाते हैं, गम का समय है। इस वक्त में हैदराबाद सिटी पुलिस और तेलंगाना रियासत के जो भी डिपार्टमेंट के अफसरान हैं, आप सब आपके साथ रहेंगे और ये जो भी बंदोबस्त करना है हम आप सब से मिलके ही करेंगे। इस मौके पर मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि ये जो कोऑर्डिनेशन मीटिंग अभी हो रहा है, इसके पहले एक पिछले हफ्ते हुआ था, उसमें भी काफी मसले वहां पर उठाए गए थे और उस पर बातचीत हुई थी। वहां पूरे डिपार्टमेंट के अफसरान, मंत्री सब थे, वजीर लोग थे, वो सब HM साहब भी थे। और उस मौके पर MLC गोल्डी साहब ने वाटर बॉटल्स का जिक्र किया था कि कम पड़ रहे थे और उसके इंतजाम हम वाटर बोर्ड MD से बात किए हैं, वो हमें दिलासा दिए हैं कि वो ये बार पूरी तरीके से देखेंगे। इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई के बारे में भी जिक्र हुआ था। जॉइंट कंट्रोल रूम, ये जो सरदार महल रोड पर रहती है, उन्होंने दरख्वास्त की थी कि ये दारुल शिफा पे उसको लगाया जाए, तो हम आपसे बात करेंगे कि ये आप अगर चाहिए तो हम वहाँ पर भी लगा सकते हैं कि ये ठीक बात है नहीं है, क्योंकि ये अरसे से चले आ रही है, तो वो हम आपसे बातचीत करके करेंगे। इसके अलावा आज जो बातों पर जिक्र हुई है वो है कि पार्किंग के बारे में, पार्किंग का मसला जो है उस पर हम हर साल उसको नजरअंदाज नहीं करते हैं, पर आप सबको मालूम है कि पिछले 3 सालों में जनवरी 2020 से लेकर आज तक करीब करीब 23 लाख गाड़ियां हमारे सड़कों पर आ गई है। ये कोविड की वजह से काफी लोग अपने अपने गाड़ी खरीदना शुरू किए थे, क्यों जब इन्फेक्शन का डर था, लोग बड़े पैमाने पर 4-व्हीलर्स खरीदना ये सब हुआ था। तो हम देख रहे हैं, क्योंकि मैं ट्रैफिक में काम किया था पहले, अभी तो इतना व्हीकलर पॉपुलेशन इतना बढ़ गया है कि उसको संभालना भी काफी मुश्किल हो गया। तो हमारे ट्रैफिक के डिपार्टमेंट के अहदेदार जो हैं बहुत ही मेहनत करते हैं। अभी ट्रैफिक DCP जो ट्रैफिक 2 यहाँ के उनके अफसरान भी यहाँ पर हैं, उन सबको मैं हिदायत दे रहा हूँ कि आपको स्पेशल डिप्लॉयमेंट करना पड़ेगा और जो भी बात ये बैठक में उठाई गई है, जो भी एरियाज को उन्होंने बताया है, आप सब लोग नोट कर लिए हैं, उस पर ज़्यादा उस पर फोकस करते हुए वहाँ पर ट्रैफिक मैनेजमेंट करने की ज़रूरत बहुत है। पुलिस डिपार्टमेंट के तरफ से आप सबको बताना चाहता हूँ कि हम पूरी तरीके से आपको हमारा ताउन हमारा रहेगा आपके साथ, और हम इस मौके पर आपका ताउन भी मांगते हैं कि हम अकेले ही ये पूरा बंदोबस्त नहीं कर सकते हैं। हर साल आप हमारा साथ देते हैं, हमारी जो कोशिशें हैं उसके साथ आप रहते हैं, तो इस साल भी हम आपसे गुजारिश करते हैं कि आप सब उसी तरीके से हमारे साथ रहें, हमारा ताउन दें। और इस मौके पर आप जब अपना कीमती वक्त निकाल कर यहाँ पर आए हैं,
आप सबको मेरी शुक्रिया अदा और खुदा हाफिज। जय हिंद। थैंक यू। पॉलिटिशियंस और मेरे साथी अफसरान और यहाँ पे मौजूद सभी अजीज दोस्तों, सभी को अस्सलाम वालेकुम। आज की मीटिंग में शिया कम्युनिटी के जिन जिन तंजीमों ने और अंजुमन के जिम्मेदारों ने शिरकत की, मैं उन सब लोगों को दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ। आप तमाम हजरात ने आज की इस अहम मीटिंग में जो मशवरा दिए और जो तजावीज पेश किए, उसको पूरा करने की हम जरूर कोशिश करेंगे। इसके अलावा हमारा सीपी साहब इस सिलसिले में खुसूसी दिलचस्पी लिए हुए हैं और इनकी ख्वाहिश है कि हैदराबाद का ये तारीखी और रिवायती प्रोग्राम पूरा एहतराम के साथ मनाया जाए और इस सिलसिले में जो मुमकिन है वो तआवुन हम करने वाले हैं। हैदराबाद का मुहर्रम और योम आशुरा का जुलूस पूरी दुनिया में शोहरत रखता है। इसको हर साल की तरह इस साल भी पूरा एहतराम और तकद्दस के साथ।